तो गाइस एक बार फिर आरके इंग्लिश एक्सपर्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी आज मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट होंगे इनको पूरी हिंदी जिस्ट मिल जाएगी और अपनी बातों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए थोड़ा सा उनके लिए हेल्प हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब हुआ सुंदर वस्तुएं। ये इसके जो पोएट हैं जॉन कीट्स और 1795-1821 वाज ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। 1795 से लेकर के 1821 तक एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। ओके, ऑल्दो ट्रेंड टू बी सर्जन, हालांकि वो सर्जन के रूप में ट्रेंड किए गए थे, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, अपने आप को पूरी वो पोएट्री लिखने के लिए डेडिकेट कर दिए, समर्पित कर दिए। तो चलिए, इनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ जानना है, लेकिन हमारा टारगेट जो है थिंग ऑफ ब्यूटी कह क्या रहा है। ठीक, देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स इस स्टेंजा में, इस पोयम में बता रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर वस्तुएं, इस संसार की जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, इज जॉय फॉर एवर, वह सदैव के लिए आनंदित होती हैं, अर्थात वह सदैव आनंद देती हैं। सदैव मतलब हमेशा आनंद देती हैं, फॉर एवर मतलब सदैव या हमेशा, जॉय मीन्स आनंद, लेकिन यहाँ आनंद देने से सेंस निकालेंगे। कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदर वस्तुएं हमेशा आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इनक्रीजेस, और इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो प्यारापन है, इंक्रीजेस होता रहता है, यानी बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी इट लगा है सुंदर वस्तुओं के लिए, ये जो सुंदर वस्तुएं हैं विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कभी नहीं पास करेगी इनटू नथिंगनेस, यानी कभी बेकार नहीं जाएगी, या कभी मरेगी नहीं, या कभी खत्म नहीं होगी। बट बल्कि करेगी क्या, इट नहीं है, लेकिन यहां पर इट अपने में से लगा के बोला हूं, बल्कि इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए अ बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए अ बावर क्वाइट, एक शांति बावर मतलब जगह कीप रखेगी, देगी। कह रहा है कि बल्कि यह हमारे लिए एक शांति जगह कीप करेगी, देगी या देती रहेगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर स्वप्न से भरा हुआ हमें नींद भी प्रदान करेगी, यानी सुंदर वस्तुएं में इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि हमें मधुर स्वप्न से भरी हुई नींद यानी स्लीप को भी देगी, प्रदान करेगी। एंड हेल्थ, और हमें स्वास्थ्य देगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें चैन की सांस भी देगी, यानी हम शांति से, चैन से, आराम से सांस ले सकते हैं। Therefore means इसलिए on every morrow का मतलब होता है प्रत्येक अगले दिन, आर वी रेडिंग, हम गूंथते रहे हैं या गूंथ रहे हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, यानी कह रहा है कि हम प्रत्येक अगले दिन, आर वी रेडिंग अ फ्लावरिंग बैंड, हम फूलों की माला को रेडिंग कर रहे हैं, रेडिंग मतलब गूंथ रहे हैं, बना रहे हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बाइंड रखती है, जोड़े रहती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, यानी बावजूद निराशा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल नेचर्स, इनह्यूमन डर्थ का मतलब होता है अमानवीय कमी, नॉबल नेचर्स मतलब अच्छे विचार की, कह रहा है कि अच्छे विचार की अमानवीय कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज, और निराशा से भरे हुए दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेस, और सभी गंदी और
धोखे से भरे रास्ते या अंधेरे से भरे रास्ते मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी तलाश के लिए, हमारी जानकारी के लिए, हमारी खोज के लिए मेड की गई है, बनाई गई है। यस, हां, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ शेप ऑफ ब्यूटी यानी कुछ सुंदर चीजों की, कुछ सुंदर वस्तुओं की जो शेप है, जो बनावट है, जो आकार है, मूव्स अवे द पाल यानी पर्दा को हटा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी इस अंधेरी आत्मा से। फिर एक बार देख लीजिए, मूव्स अवे द पाल, पाल मतलब पर्दा होता है, हटा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधेरी आत्मा से। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, नीचे बता रहा है, सच एज द सन, द मून, ट्रीज ऑल एंड यंग स्प्राउटिंग सैडी बोन, बता रहा है कि ऐसे ही जो वस्तुओं की बात की जा रही है, कह रहा है कि सच द सन द मून, ऐसे ही वस्तुएं जैसे कि सूर्य हो गए, मून चंद्रमा हो गए, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कह रहा है कि पुराने और नए वृक्ष हो गए, स्प्राउंटिंग अ सैडी बून, स्प्राउंटिंग मतलब देते हैं और सैडी मतलब छाया, एक छाया देते हैं, ठीक, एक छाया देते हैं जो बून वरदान होता है फॉर सिंपल सीप, बेचारी साधारण सी भेड़ियों के लिए। आप देखे होंगे कि रेगिस्तान में जो भेड़िया घूमती है, जब वो धूप से हाफने लगती है तो किसी न किसी पेड़ के नीचे जा करके अपने को रेस्ट करती है, वहां माना एक तरह से वो पेड़ जो है वो वरदान है, उनके लिए वरदान साबित हो रहा है, ये कहने का मतलब है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही एक नरगिस का फूल है, डेफोडिल्स मतलब होता है नरगिस का फूल, और ऐसे ही नरगिस के फूल्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, कह रहे कि अपनी पूरी हरी भरी दुनिया में दे लिव इन, ये खिलते हैं या ये रहते हैं। एंड ऐसे ही क्लियर रिल्स है, स्वच्छ जलधारा है, ऐसे ही कुछ ऐसी सुंदर वस्तु की बात हो रही है ना, तो इसमें क्लियर रिल्स है, सुंदर जलधारा है, स्वच्छ जलधारा है, दैट फॉर देमसेल्फ, जो खुद अपने आप को कूलिंग कवर्ट मतलब शांति प्रदान करती, कूलिंग कवर्ट मेक शांति प्रदान करती है जॉइंट द हॉट सीजन, यानी बिल्कुल गर्म मौसम में, यानी जब मौसम गर्म होता है तो ये जो क्लियर रिल्स है, जो स्वच्छ जलधारा है, कूलिंग कवर्ट मेक वहां पर शांति प्रदान करती है। कराए कि द मिड फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच एक फर्न नाम का जो पौधा है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, एक फर नाम का फूल है, और रिच विद स्प्रिंकलिंग, जो अपने सुगंध से समृद्ध है, जो अपने सुगंध से, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना होता है, तो अपने सुगंध से समृद्ध है, ऑफ फेयर मस्क रोज बलूम्स, जो सुंदर सा कस्तूरी गुलाबी फूल को खिलाता है, सुंदर सा कस्तूरी गुलाबी फूल को खिला। और ऐसे ही द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, महान लोगों के द्वारा की गई महान कार्य की कारनामे है, महान लोगों के द्वारा की गई कार्य की ग्रैंड्योर है, उनके द्वारा शान से स्वागत से की गई कार्य है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जैसे हमने इमेजिन किया है, हमने कल्पना किया है फॉर द माइटी डेड, उन शक्तिशाली मरे हुए व्यक्तियों के बारे में, माइटी मतलब शक्तिशाली, डेड मतलब मरे हुए, जिनके बारे में, जिनके महान शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में हमने कल्पना किया है, सोचा है। ऑल लवली टेल्स, सभी सुंदर सुंदर कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड और रेड, जिसे हमने या तो सुना है या पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और एक अनंत फवारा इमोर्टल ड्रिंक, यानी अमर इंक का, इंक मतलब स्याही का, यानी कह रहा है कि एक अमर स्याही का अनंत फवारा, पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर, हम विद्यार्थियों के ऊपर, हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर गिरता रहता है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, आसमान से, स्वर्ग से।
तो फ्रेंड्स आई होप कि थिंग ऑफ ब्यूटी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के बेस्ट वीडियो पाने के लिए, इसी तरह के कंटेंट वीडियो पाने के लिए आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उन दोस्त के पास शेयर कीजिए जो क्लास 12th में पढ़ता है, ताकि उसकी भी कल्याण हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।